हेलो एवरीवन वेलकम बैक आज का दिन है सेवन अगस्त और आज भी मार्केट ने गैप अप ओपन किया था अगेंस्ट मेरा पोजीशन पर आज क्या था जैसे कल मेरा हेज ज्यादा था तो आज मैं यहाँ पे लेके नहीं गया था क्योंकि कल का जो क्लोजिंग था एक बैरिस क्लोजिंग था लोअर के लो जो बना था उसके भी नीचे लो बन के क्लोज हुआ था तो यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन था मेरा कि आज हम यहाँ पे गैप अप अगर होंगे तो होगा हमारा फोर्टी नाइन नाइन हंड्रेड के आसपास और नीचे अगर गया मार्केट तो फोर्टी नाइन फाइव हंड्रेड के आसपास खुलेगा वही चक्कर में मैं क्या यहाँ पे कॉल शॉर्ट किया था इन द मनी था पुट थोड़ा कम था यानी कि अगर कहे तो दस लॉट अगर कॉल शॉर्ट थे तो उसके सामने ओनली तीन या चार ही पुट शॉर्ट थे उसकी वजह से जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया था वहां पर रिजेक्शन किया तो इस लेवल के आसपास था तब यहाँ पे मेरा जो लॉस था वो करीबन फिफ्टी टू थाउजेंड के आसपास यहाँ पर बता रहा था क्योंकि मेरे पास फ्यूचर शॉर्ट था कॉल शॉर्ट था और मेरे पास एक फूट लॉन्ग था और साथ में स्टॉक का एक ऑप्शन शॉर्ट था कल काफ़ी अच्छा सा मैं पोजिशन फिफ्टी परसेंट के आसपास के ऊपर के कैपिटल का मैं कैरी करके गया था क्योंकि मेरे पास पहले से शॉर्ट था उसको भी कैरी किया था तो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ मैंने पहले यहाँ पे क्या किया कि जो मेरा द मनी था मेरे पास फोर्टी नाइन फाइव हंड्रेड का था कॉल द मनी मैंने उसको एग्जिट किया और चार्ट को जैसे देखा कि ये एक पहला रिजेक्शन है और मेरा जो ये मेक और ब्रेक लाइन है वो यहाँ पे बनता है फिफ्टी थाउजेंड वन हंड्रेड के आसपास तो मेरा पूरा एक्सपेक्टेशन था आज कि दो दिन हमने क्या किया कि हमने एक तो पहले कंटिन्यू गिरावट आई सेकंड थिंग हमने ओपन करके फिर से गिरा तो आज यहाँ पे ट्रेडर के माइंड में होगा कि यहाँ से हम कंटिन्यूएशन गिरेंगे और मार्केट चाहेगा कि हमारा जो ये मेकअप ब्रेक लाइन है उसी के आसपास क्लोज हो जाए तो वही हमको आज देखने को मिला तो ये पूरा एक्सपेक्टेशन था डेटा के हिसाब से भी यहाँ पे देखने को मिल रहा था कि दोनों साइड शॉर्ट हुआ है तो पहला ही ये जो मोवमेंट हुआ उसमें कन्फर्म हो गया था ऊपर में फिफ्टी थाउजेंड शॉर्ट हुआ नीचे जैसे ये लेवल आया प्रीवियसली क्लोजिंग था उसके पास आके फोर्टी नाइन एट हंड्रेड शॉर्ट हुआ तो ये कन्फर्म किया दोनों साइड पोजीशन बन गया है बड़े ट्रेडर का अब ये यहाँ पे इजीली ये पैसा जाने नहीं देंगे तो वही हमको देखने को मिला पूरा दिन का ज़िगज़ैग जैग हुआ पर पूरा दिन वही मिला यहाँ पे उसकी वजह से मेरा जो लॉस है वो काफी अच्छा सा कवर हो गया और मैं यहाँ पे रिकवर किया आरई आज भी मुझे अच्छा सा ट्रेड मिला था आरई में पहले जैसे ये स्पाइक आया था यहाँ पे उसी टाइम पे मैंने शॉर्ट किया तो यहाँ पे मैंने बुक कर लिया और फिर वापस मैं उसको एंटर नहीं किया और मैंने सोचा कि कल देखेंगे कल अगर ये फिर से यहाँ पे फाइव हंड्रेड एंड एटी थ्री के नीचे जाता है तो शॉर्ट करूंगा या तो फिर अगर गैप अप उप ओपन होके रिजेक्शन मिलता है सिक्स हंड्रेड के आसपास तो मैं यहाँ पे शॉर्ट का देखूंगा अभी यहाँ पे मेरा शॉर्ट का कोई व्यू नहीं है एक अच्छा सा था मेरा आरती इंडस्ट्री का व्यू जहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा था तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये इसका ब्रेकआउट लेवल है यहाँ से कंटिन्यूएशन उसने यहाँ पे लिखाया था तो आज का जो यहाँ पे क्लोजिंग अभी है सेवनटीन थाउजेंड यहाँ पे माइनस है और मेरा जो कोटक का था यहाँ पे सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड है तो ओवरऑल मेरा टेन थाउजेंड के आसपास का आज का दिन लॉस में यहाँ पे क्लोज हुआ है और अभी जो मेरे पास पोजिशन ओपन है मैंने क्या किया है अभी जो मेरा ओपन है बहुत ही मैं लाइट क्वांटिटी में गया हूँ और जो भी मैंने आज ग्रुप में भी शेयर किया था दोनों ग्रुप में शेयर किया था पेड वाला और साइलेंसी का आ, कि आपको ये चार स्ट्राइक शॉर्ट करना था मैंने जो फ्री वाले ग्रुप में बताया फिफ्टी थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी नाइन एट हंड्रेड बाकी मेरा जो ग्रुप है उसमें फिफ्टी थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फोर्टी नाइन नाइन हंड्रेड भी था तब ये चारों का प्राइस देखे तो ये का जो स्ट्राइक था सेवेंटी था और दूसरा जो था वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी था तो वन फोर्टी और उसके बाद में टू टू हंड्रेड एंड फोर्टी तो काफी अच्छा सा कहे तो 380 पॉइंट का आज का डीके हमको देखने को मिला जो स्ट्राइक हमने यहाँ पे प्रेफर किया था चार्ट में भी देखेंगे तो यहाँ पे लोअर हाई बनता जा रहा था ये एक स्पाइक आया था जहाँ से 23 से लेके ये 124 पर यहाँ पे मैंने जब ये लेवल पे चल रहा था ग्रुप में बताया था कि स्पाइक आएगा उसको यूज करना तो मुझे जो अच्छा ट्रेड मिला था एक फिफ्टी पे मिला था फिर फिफ्टी पे मिला था ये फोर्टी के आसपास स्पाइक में मिल गया था जो आप ये स्पाइक देख रहे हो यहाँ पे तो ये फोर्टी का जो यहाँ पे जैसे ब्रेक डाउन हुआ ये एक अच्छा सा मिला फिफ्टी थाउजेंड में भी एक अच्छा सा शॉट मिला था जो करीबन फिफ्टी के आसपास स्पाइक लगाया था और वहाँ से फिर वो थ्री के आसपास क्लोज हुआ है तो आज का अगर प्राइस एक्शन का कंक्लूज़न करें तो हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि आपको देखना होता है कि प्रीवियसली जो ट्रेड है उसको यहाँ पे दो दिन हमने सिमिलर ट्रेड दिया है आज एक्सपायरी है यहाँ से काफ़ी सारे लोग ने शॉर्ट किया होगा तो उनका एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो सकता है क्योंकि दो बार हमने सपोर्ट यहाँ पे लिया था तो उसकी वजह से आज उसके ऊपर हमने क्लोज किया है तो आज का दिन माइनस टेन था तो देखते हैं कल कैसा रहता है मेरे पास जो ओपन है निफ्टी में है जो है ट्वेंटी का कॉल है शॉर्ट है फिर है मेरे पास मिड कैप का एक है मैंने एक आ, जो कल लिया था उसको ही मैंने फिर कैरी करके गया हूँ उसको एग्जिट नहीं किया है फिर मेरे पास बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक का है थोड़ा दूर का है पोजीशन वो है फिफ्टी थाउजेंड एट हंड्रेड का मेरे पास कॉल शॉट है उसके सामने हेज है नीचे फोर्टी नाइन फाइव हंड्रेड का हैज एक के सामने सॉरी तीन के सामने एक है उस हिसाब से मैं उसको कैरी करके गया हूँ तो कल अपडेट करता हूँ दोस्तों कैसा रहता है दिन थैंक यू वीडियो और प्राइस एक्शन अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना थैंक यू मिलते हैं नए वीडियो में टेक केयर बाय बाय